साढ़े बच्चों को यही समझाया जा रहा वा खेती चो कुछ नहीं निकलता, खेती चो कुछ नहीं निकलता। मेरे बाप दे को 9 किले जमीन ते असी 4 भरा है, 5वीं भैन है, 5 ग्रेजुएशन कराई। कदे मेरे बाप ने यह गल नहीं कही भी मेरे को फीस नहीं कहे नहीं, वो खेती कर देता। कदों खेती घाटे च है, इन्हें कह दिता भी खेती घाटे जाए, खेती घाटे जाए, खेती धरने लाने मजबूर होना पै रहा। पहले सेंटर के खिलाफ, हम पंजाब सरकार के खिलाफ क्या करना है? असल दे विच इस बार, पिछले साल भी तो इस साल भी कुदरत जिहड़े नैचुरल कलैमिटीज़ है जिन्हां दे विच पिछले साल मक्की की सुंडी जिहड़ी सी उन्हें सारी फसल बर्बाद करती। इस तों अलावा इस वारी उस तों ज़्यादा एक हमला होया है, खास कर साडियां वो गाइयां जिहड़ियां डेयरियां दे विच लोकां ने रखियां होईयां समूहक तौर पर, उन्हां दे विच इक बीमारी फैली, तफड़ी रोग, वड्डे तफड़, वो लाइलाज हो के साबित होई। तो उहदे विचों की निकलिया, बहुत सारिया साड़िया गावां मर गई, तो बहुत सारिया बीमारी नाल जूझ रही हैं। तुहानूं एक होर गल दस दें, साढ़े वो बल्द जिन्हां की कीमत दौड़ाक बल्दां की 6-6 लाख 8-8 लाख, साढ़े को गुआंढ च एक बल्द विके 8 लाख 8 लाख 20 हज़ार का, उहदी डैथ हो गई। जाने बहुत वड्डा किसानों का नुकसान होया, मक्की तो भी एक ही है। जी धाना के बौना रोग, छोटे धान रह गए जिन्हों कोई मुंजर नहीं निकली, बहुत वड्डा नुकसान होया। अभी सरकार बेनती करते हैं, अखबारों करते रहे, अपना सोशल मीडिया राही करते रहे, लेकिन वो सरकार जी कहती सी कि जिदन असी आ गए तो धरने नहीं लाने पैणगे। मैं कहना ये सरकार पूरी तरह किसानों के मसले हल करने फेल हुई है। किसान तो अगे ही बड़ा जूझ रहा है अपने समस्यावां दे हल लई, सीधा झोना बीज दो, सीधा झोना बीज दिता लोगों ने, 1500 रुपया पर एकड़ देना सी, एक पैसा नहीं दिता। फिर वो सीधा झोना जदों इस बीमारी का शिकार होया बाणा पै गया, हुण इन्हां दे कन्न ते जूनी सरक दी गिरदावरी नहीं करा रहे, कोई उहदा मुआवजा देण दा इन्हां दे मन च नहीं। इस करके असीं तंग हो के परेशान हो गए, किसान जथेबंदियां समुचे पंजाब दे विच ते पंजाब तों बाहर भी, ये अपने मसले हल कराउण दे लई, मुआवजा लैण दे लई। ते आने वाले समय च धाना दा सीजन दी प्रोक्योरमेंट होनी है, खरीद होनी है, उहदे विच भी सानूं पूरा पिछले साल वांग इन्हां ने धांधड़ी मचाणी है, पैसे मंगने हैं ते पैसे खरी लैने हैं लोगों तो, उहदा असीं सारे मसले हल कराउण दे लई अज धरना देण लई मजबूर होए हैं। जे सरकार नूं कुछ शर्म होवे, सोझी होवे, तां साडे मसले सुण के हल करने बणदे आ। अज किसानों वालों जिहड़ी इलाके दे विच धाना की फसल बीमार हो के खेतां दे खेत किल्लियां दे किल्ले खराब हो गए, उस बाद मक्की की फसल में जिहड़ी सुंडी लगी है, मक्की की फसल खराब हो गई, फिर पशुओं को जिहड़ी लिंपी स्किन की बीमारी दे नाल बहुत ज़्यादा पशुओं की मौत हुई है। किसानों नूं तीनों पासों सीधे सीधे सीजन के दो फसलां बीजते सी, दोवां फसलों के दोनों का नुकसान होया, झोने का भी तो मक्की का भी, उस तो बाद पशुओं का बहुत बड़ा नुकसान होया इस बीमारी के नाल, जबकि सरकार ने किसानों की बांह नहीं फड़ी। इसलिए अज सारे इलाके के लोगों ने इकट्ठे हो के, किसानों ने इकट्ठे हो के एक मुख्यमंत्री के नाम मंग पत्र लिखा, जिदे विच किसानां दे योग जो मुआवजा बनता है, जो धाना का योग मुआवजा है, मक्की का मुआवजा और जो पशुओं की मौत हुई है उहदा जायज़ मुआवजे की मंग की गई है। वह असीं अज मंग पत्र SDM दे राही मुख्यमंत्री साहब नूं भेजांगे कि पंजाब दे लोग, खासकर साडा इलाका जिहड़े किसान ने, किसानां दी बांह फड़ी जावे, क्योंकि किसानों का दोनों तीनों पासे तो बहुत बड़ा वड्डा नुकसान होया। इसलिए आम लोग इकट्ठे होकर अजे मुख्यमंत्री साहब तो यह मंग करते हैं कि जो योग मुआवजा है वह दिता जाए, फौरन तौर पर पटवारियों के नाल लग के गिरदावरी है जिहड़ी की जाए, लोगों के खेतों की गिरदावरी करा के योग मुआवजा दिता जाए, नहीं तो लोगों को फिर संघर्ष करने लिए रोडों पर उतरना पेगा। अज की यह छोटी मंग करके, छोटा धरना ला के असं मुख्यमंत्री साहब तो जिहड़ी बेनती की है कि किसानों की बांह फड़ के किसानों का फटाफट पटवारियों तो जिहड़ी गिरदावरी करवा के लोगों का जायज़ मुआवजा दिता जाए।